हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पर। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही उम्दा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर किसी राशि का 2 बरस का अगर साधारण ब्याज 80 रुपया है और फिर 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले देखिए हम SI की बात करते हैं और हम फिर CI की बात करते हैं, ठीक है। 2 बरस का SI हमको कितना दे रखा है? 80 रुपया दे रखा है और CI कितना दे रखा है? 84 रुपया। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए भाई SI जो होता है कितना बरस पैसा रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बराबर बराबर होता है। अगर 2 बरस है तो दोनों बरस का SI बराबर होगा, 3 बरस है तो तीनों बरस का SI बराबर होगा। अगर 2 बरस का SI अगर 80 रुपया है तो लाजमी सी बात है पहला बरस में 40 रुपया मिला होगा और दूसरा बरस में भी 40 रुपया मिला होगा। अब बात करते हैं SI की। देखो भाई पहला बरस का जो SI जो होता है वो SI और CI आपस में बराबर होता है। पहला बरस का SI और CI आपस में बराबर होता है, तो पहला बरस का अगर 40 रुपया मिला होगा तो दूसरा बरस में कितना मिला होगा? 44 रुपया मिला होगा। अब देखिए 40 से 44 हुआ तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? 4 बटा कितना? 40 गुना 100। एक जीरो खत्म कर दो, 4 खत्म कर दो भाई, 10% की आपके आंसर हो गए। ये बहुत ही उम्दा है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हमको अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? भाई प्रिंसिपल निकालने के हमको क्या करना है? PRT बराबर SI गुना 100 लिख देना है, PRT बराबर SI गुना 100 लिख देना है, तो P की वैल्यू मालूम हो जाएगा। इसका मान 10 लिख दीजिए, ठीक है, 2 हो गया और SI 80 होगी गुना 100 हो गया, 100 किया 10 गुना 20, 20 चौके 80 यानी 400 रुपया। अगर प्रिंसिपल पूछ दे या रेट पूछे हम दोनों आसानी से निकाल देंगे, लेकिन अक्सर आपको क्या पूछेगा? रेट पूछेगा। रेट हम ऐसे ही निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? 80 रुपया को 2 भाग में कर देंगे, 40 तो बढ़ा, 40 तो 44, अब देख लेंगे कितना परसेंट बढ़ा, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए भाई सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 2 बरस का साधारण ब्याज 40 रुपया है और 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपया, तो मूलधन की राशि क्या होगा? देखिए भाई पहला बरस में अगर पहला बरस का हमको 20% मिला होगा CI, तो दूसरा बरस में कितना मिला होगा? 24% मिला होगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा? रेट प्रतिशत निकाल दो कितना हो गया? 4 बटे 20 गुने 100, तो 20 × 100 यानी 20% का रेट हो गया 20%। अब देखिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, PRP बराबर SI गुना 100। PRP बराबर कितना होता है? SI गुना 100 होता है, तो P का मान निकल जाएगा, R का मान 20 रख देंगे, P का मान 2 रख देंगे, SI हमको 40 है गुना 100, 20 गुना 40 खत्म हो गया, P का मान कितना हो गया? 100। आपका आंसर हो गया ये नंबर, आंसर हो गया ये नंबर। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को और भी अच्छे से बनाएं, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर R निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना, 200 D/SI, 200 D/SI, इससे R निकल जाएगा। और अगर P निकालना है तो सीधा कर देना है SI का स्क्वायर बटे 4D, जहां D बराबर क्या होगा? CI माइनस क्या हो जाता है? SI। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना चाहते हैं तो इसको याद रख दीजिए। देखिए यहां हम निकाल लेंगे SI कितना भाई, 40 गुना 40 बटे 4D, का मतलब क्या है? 40 और 44 का अंतर कितना है? 4 गुना 4 कर दो, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 100 हो जाएगा। ये भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों ट्रिक्स अपने आप में लाजवाब है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन है CI का। देखिए क्वेश्चन कहता है कोई यहाँ 4 वर्षों में 600 रुपया और 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, तो वो धन क्या है? देखिए अगर अगर टाइम पर दोगुना हो, टाइम कितना हो? दोगुना हो, है ना। महिला पहला अगर 4 वर्ष में 600 टका होता है तो वही 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है। अगर आपका टाइम दोगुना हो तो सीधा कर लेना भाई, सीधा क्या कर लेना कि पहला अमाउंट का स्क्वायर, अमाउंट 1 का स्क्वायर बटे अमाउंट 2,
अमाउंट वन का स्क्वायर बटा अमाउंट टू, यानी निकाल लेना क्या आपका पी। याद रखना है इफ इफ टाइम क्या हो, दोगुना हो, टाइम क्या है दोगुना है। तो देख लीजिए भाई, 600 का स्क्वायर कर दोगे 36 पर 4 जीरो हो जाएगा, बटे 900 कर दोगे 2 जीरो खत्म हो गया, 9 चौके 36, यानी 400 आपका मूलधन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अगर समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताइए, बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए जो इससे भी उम्दा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।